हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजनीति से। शिवराज कैबिनेट के विस्तार के बाद विधायकों की नाराजगी सामने आने लगी है। मंदसौर में बीजेपी विधायक हैं यशपाल सिसोदिया, इंदौर में बीजेपी विधायक रमेश मंदोला के समर्थक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यशपाल सिसोदिया को मंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर समर्थकों ने मंदसौर के आजाद चौक पर धरना शुरू कर दिया है। वहीं मंदोला के समर्थकों ने भी सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। ये तस्वीरें आपके सामने, कहीं पोस्टर लगाकर कहीं बाकायदा सड़क पर उतरकर समर्थक जो है वो नाराजगी जता रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस समय मौजूद हैं। ब्रजेश, वो कहावत है ना कि गांव बसे नहीं लुटेरे पहले आ गए, उसी तरीके की चुनौती का यहां पर लग रहा है शिवराज सिंह चौहान को सामना करना पड़ रहा है। अभी अभी तो मंत्रिमंडल की शपथ हुई है और अभी से नाराजगी। देखिए रमाना, ये तो पहले से ही तय था कि इस बार जो इतनी उम्मीदें बढ़ा दी गई थी तकरीबन 3 महीने की उठापटक के बाद, अब जब मंत्रिमंडल बन गया है तो उसमें बहुत लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी। मगर साथ में बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ वो ये था कि यहाँ सिंधिया के लोग आ गए हैं, तो ये तो तय था कि बीजेपी के नेताओं को कम जगह मिलनी थी, जिसके लिए बीजेपी के तमाम नेता काफी दाव पर चल रहे थे, कई उठापटक कर रहे थे। बीजेपी के पास कई ऐसे ऐसे नेता हैं जिन्होंने 5-6 बार चुनाव जीता है और मंत्री पद की उम्मीद कर रहे थे, तो यही हुआ। सबसे पहले तो उमा भारती ने मंत्रिमंडल विस्तार होती चिट्ठी लिख के इस बात पर नाराजगी जताई कि उनकी सिफारिशों को दरकिनार किया गया और जो जाति संतुलन है वो बिगाड़ दिया गया है और इसके अलावा कई इलाके खाली छोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद जो मंदसौर से यशपाल सिसोदिया हैं उनके समर्थकों ने शहर में धरना दे दिया, उनको मंत्री बनाने की मांग की, जो भी 4 बार के विधायक हैं। इंदौर से रमेश मंदोला कैलाश विजयवर्गीय के बहुत करीबी हैं और बहुत ताकतवर नेता हैं, तो उनके समर्थकों ने फेसबुक पर लिख के कहा है कि यदि उनको मंत्री नहीं बनाया गया तो हम सड़क को उतराएंगे। यानी कि नाराजगी जो है वो साफ तौर से नजर आ रहा है और शिवराज सिंह चौहान की जो परेशानी है वो अभी से बढ़ती हुई नजर आ रही है।